अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देखेंगे कि किस तरह से आपने अपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए पेपर जनरेट करने हैं, तो उसके लिए आपको बकायदा एक लिंक दिया जाएगा जो कि आपके पास पहुंच जाएगा। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे गूगल क्रोम के अंदर, तो आपके पास ये सामने जो आपको पेज नज़र आ रहा है, ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपने अपने स्कूल का EMIS कोड जो कि एज़ लॉगिन आईडी के तौर पे इस्तेमाल होगा और पासवर्ड एंटर करना है। अब पासवर्ड आपको कौन देगा, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से आपको पासवर्ड की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करके साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट इस पेज पे आ जाएंगे जो आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली स्कूल का डैशबोर्ड है पेपर जनरेशन के लिए। इसके ज़रिए से आपने अपने पेपर जो है वो जनरेट करने हैं। अच्छा, अब इसमें पेपर जनरेशन के दौरान कुछ चीज़ें जो आपको ऐड करनी पड़ेंगी, वो बेसिकली स्कूल का प्रोफाइल है। यहाँ पे देखें, आपको ये नज़र आ रहा है स्कूल का प्रोफाइल जो आपने फिल करना है। इसके अंदर आपको स्कूल का EMIS कोड जो ऑलरेडी दिया हुआ है, पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और कुछ और ऑप्शंस हैं, स्कूल का एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल का ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट मोबाइल, रूरल अर्बन वगैरह, और नीचे फिर एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन है। आप यहाँ पे स्कूल के प्रोफाइल में अगर चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। और फिर अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहें तो प्रोफाइल व्यू के अंदर नीचे आपको चेंज पासवर्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है। ये टाइप करने के बाद आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। जब आप जनरेट न्यू पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपने सबसे पहले क्या करना है, पेपर का ग्रेड सेलेक्ट करना है कि कौन सी क्लास का पेपर आप बनाने वाले हैं। उसके बाद अगला है सेलेक्ट पेपर सब्जेक्ट। आपने यहाँ पे पेपर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो भी आप पेपर बनाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे है सेलेक्ट सेक्शन, कौन सी सेक्शन, यानी अगर आपके स्कूल में फ़र्ज़ करें एक क्लास के तीन या चार सेक्शन हैं तो कौन से सेक्शन के लिए आप पेपर बनाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि पिछले साल इस तरह होता था कि आपको आइटम बैंक दिए गए थे, आपने उन आइटम बैंक में से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना था और पेपर जनरेट करना था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल आपको आइटम बैंक नहीं दिए जाएंगे बल्कि बने बनाए पेपर दिए जाएंगे जिनमें से आपने एक पेपर सेलेक्ट करना होगा, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करवाई जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे शो नहीं है कि आप पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, जो भी पेपर सेलेक्ट करेंगे वो पेपर आपका ऑटो जनरेट हो जाएगा। इसमें बेसिकली पेपर नहीं, ऑटो जनरेट होना है, आपको MCQ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप तमाम सब्जेक्ट के पेपर बना चुके होंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन है जनरेट पेपर लिस्ट की, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो तमाम पेपर जो आपने बनाए हैं वो आपको लिस्ट में यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और फिर इन पेपर्स का आप जब चाहें इन पेपर को आप ओपन करके इनका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है, उसे व्हाट्सएप पर भी भेजा जा सकता है, और चाहें तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव भी कर सकते हैं।